बॉलीवुड न्यूज की एक नई एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आयुष्मान खुराना का इस साल में कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में दो मूवी रिलीज होने वाली है और उसका एक का अनाउंसमेंट आज हो चुका है जो 2025 के दिवाली के दिन रिलीज होगी। यानी आयुष्मान खुराना भी अब जो बिग बिग हॉलीडे हो बुक करने लग गया है, तो देखते आखिर में क्या होता है। और इस मूवी में रहने वाली उनकी ऑपोजिट में रश्मिका मंदाना और मूवी का नाम है थामा। हाँ, थामा। यस, ये दिनेश विजयन यानी मैडॉक फिल्म इसको प्रोड्यूस कर रहा है जॉइंटली अमर कौशिक के साथ, जिन्होंने स्त्री और स्त्री टू या भेड़िया जैसे मूवी बनाए। और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे मुंजा मूवी के डायरेक्टर आदित्य शोपाधर। इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना के अलावा भी परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी रहने वाले हैं। इस मूवी का शूटिंग नवंबर में स्टार्ट होगी, पहले मुंबई में शूटिंग होगी, उसके बाद इसका साउथ इंडिया में शूटिंग होने वाला है। एक्चुअली ये जो मैडॉक फिल्म से ये लोग एक अलग अलग फ्रेंचाइजी बनाने वाले, तो ये एक फ्रेंचाइजी है स्त्री का, एक फ्रेंचाइजी है भेड़िया का, एक फ्रेंचाइजी है जो हॉरर फ्रेंचाइजी वो लोग बनाते हैं कॉमेडी विथ हॉरर, तो ये जो थामा है ये भी अलग फ्रेंचाइजी होगा। और देवी नाम का भी एक अलग फ्रेंचाइजी वो लोग बना रहा है जिसमें शायद आलिया भट्ट या कियारा आडवाणी दोनों में से कोई एक रहने वाली है। तो देखते आखिर में इतनी जो सारे जो है यूनिवर्स है उसको ये मैडॉक फिल्म्स किस तरह से इकट्ठा करते हैं। अगला न्यूज है सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 को लेकर। ये तो आप लोग जानती है कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 दोनों मूवी फर्स्ट नवंबर को रिलीज हो रही है। तो इस मूवी की शो को लेकर काफी बवाल हुआ था। कल सिंघम अगेन का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ था लेकिन उसको टी सीरीज ने स्ट्राइक दे दिया, फिर उसको चेंज कर रिलीज करने पड़ा। तो अब इन दोनों मूवी का एडवांस बुकिंग खुल चुका है क्योंकि इन दोनों का जो शो डिविजन होने वाला है वो बिल्कुल हो चुका है। लेकिन मानने वाली बात यह है कि सिंघम अगेन से भूल भुलैया 3 काफी आगे जा रहा है, जबकि भूल भुलैया 3 का एडवांस बुकिंग अब तक 2,95,00,000 हुआ है, उस तरफ सिंघम अगेन का सिर्फ 1,99,00,000। और शो जितना खुला है उस हिसाब से सिंघम अगेन को अभी तक का शो मिला है 5,285, जबकि सिंघम अगेन को 5,689। शो ज्यादा मिला है लेकिन कलेक्शन कम हो रहा है। इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि जो कॉर्पोरेट बुकिंग हाउस है और जो कॉलेज गोवर से और कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है वो लोग सिंघम अगेन का नहीं भूल भुलैया 3 के टिकट खरीद के अपने स्टाफ में दिवाली के गिफ्ट के तौर बांट रहा है। जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी भूल भुलैया 3 के साथ ज्वाइंट हुआ है, तो इस वजह से भूल भुलैया 3 से ज्यादा भूल भुलैया 3 का कलेक्शन बहुत ही ज्यादा है सिंघम अगेन से। और ऊपर से इन दोनों मूवी का टिकट प्राइस बहुत हाई रखा गया है, अराउंड 1,068 रखा गया है मुंबई में मल्टीप्लेक्स में इन दोनों मूवी का टिकट का प्राइस, सोचिए बहुत ही ज्यादा है। तो देखते आखिर में बाजी कौन मारता है। अगला जो न्यूज है वो बॉलीवुड से नहीं है, साउथ से। साउथ के कनाडा के सुपरस्टार दर्शन, जिनको जून में जेल हुआ था एक इंसान की मर्डर करने का चार्ज के लिए, अब आज उनको इंटरिम बेल मिल चुका है। और ये बेल इस ग्राउंड पे मिला है कि उनकी लेग में एक इंजुरी है, उसको ऑपरेशन करना है, तो इस वजह से उनको जेल में बेल मिल चुका है। तो 6 वीक के बाद उसको फिर से जेल में जाना पड़ेगा। कंगोवा मूवी के एडिटर निखत यूसुफ को कल रात को 2 बजे अपने फ्लैट, जो उनके फ्लैट है कोची में, वहां पर मृतक पाएगा। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उन्होंने सुइसाइड किया है या उनका मर्डर किया गया है, तो देखते इन्वेस्टिगेशन में क्या बाहर निकल कर आता है। आखिरी जो न्यूज है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तो आप लोग जानते हैं कि अजय देवगन का नेक्स्ट रिलीज है 1 नवंबर को सिंघम अगेन, लेकिन नवंबर में उनका और भी एक मूवी रिलीज होने वाली है। यस, और भी एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है नाव, और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज्मी। तो आप लोगों को दिमाग में आएगा कि इसका भाई शूटिंग कब हुआ, तो इसका शूटिंग हुआ है अराउंड 20-22 साल पहले। इसका जो प्रोड्यूसर था वो था दिनेश पटेल, जिन्होंने अजय देवगन को लॉन्च किया था। अब उन्होंने एक मूवी बनाया था समीरा रेड्डी को लेकर 2002 या 2003 में, जिसका नाम था नाम। अब इस मूवी को उन्होंने अनिल रुंगटा नाम पे किसी को बेच दिया है। अब ये जो बंदा है ये इस मूवी को रिलीज कर रहा है 22 नवंबर को, तो यानी नवंबर में अजय देवगन का दो मूवी रिलीज हो रही है, एक है सिंघम अगेन 1 नवंबर को, दूसरा है 22 नवंबर को नाम का मूवी। तो ये था आज का बॉलीवुड न्यूज। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए।